नमस्कार, मैं हूँ आशा त्यागी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। आज हम आए हैं विजयपाल आरटी जी के यहाँ पर। हाल ही में ही विजयपाल आरटी जी ने मजबूत जीत हासिल की है और दूसरी बार हापुड़ विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है विजयपाल आरटी जी आपको हमारे चैनल पर और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हापुड़ हलचल की तरफ से। धन्यवाद। तो आपको जीतने के बाद कैसा लग रहा है? जीतने के बाद तो अच्छा ही लगेगा। 5 साल योगी जी की सरकार में जो विकास कार्य के काम हुए हैं, जो पिछली सरकारों में कभी भी इतने विकास कार्य के काम नहीं हुए, जो योगी में विकास कार्य के काम हुए हैं, और मैं जनता को भी बधाई दे देना चाहता हूं, जो जनता का हमें प्यार मिला है और इतनी अच्छी वोटों से हमारी जीत हुई है, तो मैं सबसे पहले जनता को धन्यवाद दे देना चाहता हूँ और अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दे देना चाहता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भी बहुत मेहनत रही है। तो आप अपनी जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को भी देना चाहते हैं? भी कार्यकर्ता तो सबसे पहले हैं, जनता भी है, क्योंकि जनता का भी बहुत प्यार मिला है और कार्यकर्ताओं की मेहनत रही है और विकास कार्य के काम बहुत हुए हैं। तो विजयपाल आरटी अपनी जीत का श्रेय जनता पर और अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं? जनता पे भी को भी बधाई दे देना चाहते हैं और अपने कार्यकर्ताओं का को भी बधाई दे देना चाहते हैं, और जो योगी जी की सरकार में 5 साल विकास कार्य के काम हुए हैं, उन विकास कार्य को देखते हुए जनता ने हमें वोट करी हैं और जनता को हम बार बार धन्यवाद दे देना चाहते हैं। प्रेस से बात करते हुए आपने बोला था कि 40% काम अभी बाकी रहता है, तो वो 40% काम क्या है और वो कहाँ पर बाकी रहता है? बहुत विकास कार्य के काम हुए हैं और अभी रह भी रहे हैं, और जो रह रहे हैं वो अब हो जाएंगे। तो आप विधायक बनने जा रहे हैं, दूसरी बार विधायक बनने जा रहे हैं, तो हापुड़ में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, रोजगार यहाँ पर इतने नहीं है, तो आप रोजगार के लिए आप यहाँ पर क्या काम करेंगे? आप देख रहे हो कि पहले 5 साल पहले क्या स्थिति थी हापुड़ के रोजगार के मामले में, काफ़ी रोजगार हैं। 1.5 साल कोरोना जैसी बीमारी रही, 3.5 साल काम करने का मौका मिला। आप देखो कि कहीं भी सड़कें बहुत बढ़िया हुई हैं, हापुड़ के अंदर नवोदय विद्यालय बना है, हापुड़ के अंदर स्टेडियम बना है, हापुड़ के अंदर जिला अस्पताल बना है, हापुड़ के अंदर आश्रम पद्धति का विद्यालय बना है, बहुत विकास कार्य के काम हुए। अगर जो हम नौकरी की बातें करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 लाख नौकरी देने का काम योगी जी की सरकार में हुआ है, और बहुत काम बाकी है, बहुत अभी रह भी रहा है और बहुत हुए हैं काम। ठीक है, धन्यवाद।